5 दिसंबर 2022 बड़ोदरा गुजरात में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी द्वारा वाची जा रही शिव प्रसाद शिव महापुराण कथा के तीसरे दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने कर्जा मुक्ति और पति पत्नी में कलेश दूर करने वाला नया उपाय बताया है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने शमी पत्र वाला नया रोग मुक्ति उपाय बताया है। साथ ही आज की कथा में गुरुजी ने शीघ्र विवाह वाला एक नया उपाय बताया है। सभी उपायों की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से हम दे देंगे। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 24 उपाय पत्र उपयोग की जानकारी दी है। सभी की जानकारी आपको हम इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुनी है तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। आज की कथा की जानकारी शुरू करने से पहले गुरुजी ने कल एक पंचामृत वाला उपाय बताया था जो हमें पितरों और कुल देवी देवता को तृप्त करने के लिए अटके हुए कार्यों को पूर्ण करने के लिए करना है। इस उपाय को हम आपको वीडियो में करके दिखा रहे हैं। पहले आप वह उपाय देख लीजिए। आपको एक बेलपत्र को लेकर शिव मंदिर में जाना है। साथ में आपको पंचामृत भी तैयार करना है। अब आप पंचामृत दूध दही घी शक्कर और शहद को मिलाकर तैयार कर सकते हैं। इसके बाद बेलपत्र और पंचामृत को लेकर शिव मंदिर में जाएं और बेलपत्र को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित कर दें। इसमें आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बेलपत्र की जो डंडी हो वो शिवलिंग की ओर हो और बीच वाली पत्ती जलाधारी की ओर हो। अब आपने जो पंचामृत लाया है उसको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपने जो बेलपत्र अर्पित की है उसके ऊपर अर्पित कर देना है। इसके बाद थोड़ा सा पंचामृत आपको शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। इस उपाय को करने से आपके पितर और कुलदेवी देवता महादेव की कृपा से तृप्त हो जाते हैं और आपके अटके हुए कार्य भी बनने लगते हैं। अब बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव इस पृथ्वी में सदा विराजमान है और उन्हें पाने का सबसे अच्छा तरीका है सारी समस्या का हल एक लोटा जल। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। आज के दिन बहुत विशेष है। आज अनंग त्रयोदशी है और साथ में है सोम प्रदोष। यह त्रयोदशी वर्ष में केवल एक बार आती है। यह त्रयोदशी मार्गशीर्ष माह की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी है। इस त्रयोदशी का महत्व बताते हुए गुरुजी ने कहा, जिस परिवार में पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, बात अदालत तक पहुंच रही हो, बेटियां मायके में रह रही हो, पति दूसरी जगह में रह रहा हो या फिर पति पत्नी का स्मरण किसी दूसरी जगह में हो रहा हो, तो इस अनंग त्रयोदशी का स्मरण किया जाता है और साथ में इस अनंग त्रयोदशी में पूजन किया जाता है। यह दिन बहुत विशेष है क्योंकि यह दिन साल में सिर्फ एक बार आता है और इसके हमें बहुत ही शुभ फल प्राप्त होते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। अब आज अनंग त्रयोदशी का एक गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने एक नया उपाय बताया है। इस उपाय को समझने से पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। ऐसे पति पत्नी जिनकी बात बात में लड़ाई हो जाती हो, आपस में बैर चल रहा हो, अदालत में केस चल रहा हो, आपस में प्रेम समाप्त हो गया हो, एक दूसरे का सम्मान करना भूल गए हो, जरा जरा सी बातों में मन मुटाव आ जाता हो, तो यह उपाय करें। आपको कच्चे दूध को अपनी एक उंगली में लगा लेना है। अब कौन सी उंगली में लगाना है वह भी समझ लीजिए। आपकी जो सबसे छोटी उंगली होती है जिसे हम छिंगली भी कहते हैं, उस उंगली के बाजू वाली उंगली में आपका दूध लगाना है और उसे आपको शिवलिंग में कटी भाग होता है जिसमें शिवलिंग रखा होता है उसमें आपको उस उंगली को फेर देना है। उंगली फेरते समय आप कामदेव रति और शिव पार्वती का स्मरण करें। बस इतना कर देने से उन पति पत्नी के जीवन में कभी भी विवाद नहीं हो सकता। जीवन में वे कभी भी गलत मार्ग में नहीं जा सकते। ये महत्व होता है अनंग त्रयोदशी का। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। आज के ही दिन का एक और नया उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्र जी ने बताया। पहले आप यह समझ लीजिए कि उपाय किन्हें करना है। ऐसा लड़का या लड़की जिनकी उम्र 30 साल से ऊपर हो, मतलब 42 वर्ष तक के भी हो गए हों, तो भी यह उपाय कर सकते हैं। आपको केवल एक बेलपत्र लेना है और बेलपत्र की बीच वाली पत्ती पर कच्चा दूध लगा लेना है। बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में कच्चा दूध लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। गुरुजी ने कहा, इस अनंग त्रयोदशी को आप यह उपाय करेंगे, अगली अनंग त्रयोदशी आने से पहले आपका विवाह हो जाएगा, यह निश्चित है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी जानकारी की ओर। भावना जी मुंबई से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी बेटी परदेश में कनाडा में रहती थी। उसे लेफ्ट साइड के चेस्ट में गांठ हो गई थी। उसे बहुत तकलीफ होती थी। वह अपना हाथ भी ऊपर नीचे नहीं कर पाती थी। इसके बाद डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया तुम्हें एक नहीं 3-4 गांठ हो गई है। स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। डॉक्टर ने ऑपरेशन की बोल दिया था। फिर बेटी ने मुझे यह बात बताई तो मैंने बेटी से कहा, तुम सब चीजें शिव जी पर छोड़ दो और शिव जी पर एक लोटा जल चढ़ाना शुरू करो। पर वहां पर विदेश पर ना ही शिव मंदिर था ना ही बेलपत्र का वृक्ष। तो मैंने उसे कह दिया कि तुम्हारे पास ही जो शिवलिंग है उसी में जल चढ़ाना शुरू करो और उस जल का आचमन करना शुरू करो। साथ में तुम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का भी जाप करना शुरू करो और डॉक्टर ने जो दवाई दी है उसे भी खाना शुरू करो। इसके बाद एक चमत्कार हो गया। 3-4 गांठ हो गई थी। फिर से जांच कराई तो डॉक्टर भी जांच देखकर हैरान हो गए थे कि एक भी गांठ नहीं है, सारी गांठें गल चुकी थी। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं जानकारी की ओर। मंजू पांडे जी औरंगाबाद से पत्र लेकर आई जिसमें उन्होंने लिखा, 3 अप्रैल को मेरी चौथी बेटी का सोनोग्राफी कराया तो रिपोर्ट नॉर्मल थी, पर 11 अप्रैल को परेशानी शुरू हो गई। 14 अप्रैल को बच्चे को जब बाहर निकाला गया तो बच्चा कुछ भी हल्ला नहीं कर रहा था, मतलब रो नहीं रहा था। डॉक्टरों ने कहा उसे सांस की प्रॉब्लम है, फेफड़ों में दिक्कत बताई डॉक्टरों ने। इसके बाद उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले गए पर कोई भी हॉस्पिटल उसे लेने को तैयार नहीं था क्योंकि बच्चा रो भी नहीं रहा था। इसके बाद मैंने मेरी तीसरे नंबर की बेटी को कहा, जाओ शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाओ और उस जल को लेकर आओ, और हम सभी लोग भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का निरंतर जाप करने लगे। इसके बाद तीसरे नंबर की बेटी ने शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल लाया और उस बच्चे पर वह जल फेर दिया और शिव की कृपा से वह बच्चा रोना प्रारंभ कर दिया। इसके बाद पत्र लिखने वाले ने लिखा, सभी रिपोर्टों को मैंने पत्र के साथ लगाई है, बाबा की ही कृपा है कि यह बेटी मुझे प्रसाद के
रूप में प्राप्त हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया कनकधारा का पाठ, श्री सूक्त का पाठ दिवाली या शुक्रवार या फिर देवी जी के विशेष दिनों में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए किया जाता है। पर अगर एक्सीडेंट हो गया है, कोई विपत्ति आ गई है, मनुष्य कहीं फंस गया है, कोई बीमारी हो गई है, तो हमें शिव ही याद आते हैं और हम महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की आठवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जिस प्रकार हम अलग अलग नंबर की चप्पल पहनकर ज़्यादा दूर तक नहीं चल सकते, हमें पाँव में कष्ट होने लगता है, पाँव दर्द देने लगता है, उसी प्रकार अगर आप किसी परिवार में आए हैं तो पति पत्नी सास बहु परिवार कुटुंब में उनके जैसे नंबर के होकर चलना शुरू कर दो। अलग अलग चलेंगे तो ज़्यादा दूर तक नहीं चल पाएंगे और एक समय ऐसा आएगा कि बात कोर्ट तक पहुँच जाएगी, अर्थात हमें परिवार में मिलकर अपने आप को उस परिवार के अनुसार ढालने का प्रयास करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की नौवीं जानकारी की ओर। भक्त जितना भगवान के द्वार में जाता है, भगवान के मंदिर में जाता है, शिव महापुराण की कथा कहती है भक्त जितना भगवान के द्वार जाता है उससे दुगना भगवान उसके द्वार में आकर खड़े हो जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दसवीं जानकारी की ओर। जीवन में कष्ट आ रहा हो, परेशानियां चल रही हो, समस्या आ रही हो, बीमारियां आ रही हो, तो हमें यह नहीं सोचना है कि भगवान ने हमारा साथ छोड़ दिया है। कई लोग बोलते हैं कि कोई मर गया है तो वे भगवान को भजना छोड़ देते हैं, भगवान का पूजन करना छोड़ देते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। लोग कहते हैं कि भगवान हमें नहीं देख रहा है, पूरी दुनिया का कष्ट हमें ही मिल रहा है। इस पर गुरुजी ने कहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, भगवान सभी को देखता है, बस ये हमारे पुराने कर्म हैं, बुरे कर्म हैं जिसे हमें भोगना पड़ रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की ग्यारहवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा प्रसाद का एक महत्व होता है अपने आप मिल जाना। प्रसाद मांगना नहीं पड़ता है, प्रसाद जो देता है वह हाथ बढ़ाकर दे देता है। उसी प्रकार महादेव जो हैं हमें भी उनसे बिना मांगे उनकी भक्ति मात्र से प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की बारहवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया एक बार वीणा देवी मतलब सरस्वती माता से महादेव ने एक वरदान मांगा। मेरे शिवालय में, मेरे मंदिर में, मेरे देवालय में कोई अगर देहरी भी चढ़ जाता है या फिर जल चढ़ाने आया है या फिर एक बेलपत्र चढ़ाने आया है तो उसके मन में क्या चल रहा है, क्या परेशानी चल रही है, क्या बात चल रही है, वह बात आप नंदी तक पहुँचा देना ताकि जब मैं प्रदोष काल में भ्रमण में जाऊं तो उसकी इच्छा पूरी करते हुए आ जाऊं। बढ़ते हैं आज की कथा की तेरहवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक और नया उपाय बताया है जो कि इस प्रकार है। वटवृक्ष के नीचे आपको लौंग का भोग रखना है, मतलब लौंग अर्पित करना है। एक घी का दीपक भी वटवृक्ष के नीचे वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए लगाना है। इस उपाय को करने से बड़े से बड़ा कर्जा क्यों ना हो गया हो वह भी चुक जाता है। आप चाहो तो लौंग वाला जल भी बटकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए बट वृक्ष के नीचे अर्पित कर सकते हैं, मतलब आप एक कलश में जल भर लें, उसके अंदर एक लौंग डाल दें और उस जल को बट वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। यह कर्जा मुक्ति का बहुत ही अच्छा और नया उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौदहवीं जानकारी की ओर। राजा राम जाधव जी महाराज से पत्र लेकर आए जिसमें उन्होंने लिखा मेरा परिवार टीवी के माध्यम से कोरोना काल से आपकी कथा सुन रहा है। कर्जा मुक्ति का उपाय सुनकर मेरी इच्छा हुई क्यों ना मैं यह उपाय करना शुरू करूं। आपके बताए अनुसार वटकेश्वर महादेव वाला उपाय करना शुरू किया, चावल और हल्दी वाला जल वटवृक्ष के नीचे अर्पित करना शुरू किया। जिस खेती में मेरे को एक भी दाना नहीं उग रहा था और मेरे ऊपर कर्जा बढ़ते ही चला जा रहा था, पर महादेव की ऐसी कृपा हुई, करुणा हुई कि हमने उस फसल को हटाकर मिर्ची बो दी। वटकेश्वर महादेव का नाम लेकर हमने यह कार्य किया और मिर्ची की जो फसल आई और उस एक फसल ने ही मेरा पूरा कर्जा चुका दिया। बाबा की कृपा से खेती तो बहुत थी पर कर्जा भी बहुत था, पर बाबा की ऐसी कृपा हुई कि मेरा पूरा कर्जा चुक गया। आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की पंद्रहवीं जानकारी की ओर। जिस प्रकार प्रसाद मांगा नहीं जाता है वह हमें स्वयं प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार अगर हम महादेव को एक कलश जल अर्पित कर रहे हैं और हम एक कलश जल अर्पित करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रहे हैं और आप महादेव से कुछ मांग भी नहीं रहे हो तो महादेव आपकी सभी इच्छाओं को पूरा कर देते हैं प्रसाद रूप में आशीर्वाद देकर। जिस प्रकार से आपने हाथ बढ़ाकर प्रसाद प्राप्त किया है वैसे ही एक कलश जल से भी आपको सभी प्रकार की मनोकामनाएं, सभी प्रकार की इच्छाएं आपकी पूरी हो जाती हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सोलहवीं जानकारी की ओर। भड़ेलिया परिवार की व्यवस्था को देखकर गुरुजी ने कहा बहुत सी कथाएं देखी हैं, बहुत सी कथा वाची है पर आज तक ऐसी कथा नहीं देखी। रात भर भक्तों को चाय दूध देना, बिस्कुट देना, सुबह भोजन देना, शाम को भोजन देना, ऐसा कर पाना सिर्फ एक जजमान के लिए बहुत ही मुश्किल होता है जो कि इस भड़ेलिया परिवार ने करके दिखाया है। क्योंकि कई शिव महापुराण कमेटियाँ करती हैं, समितियाँ करती हैं तो वो लोगों को अपने अनुसार व्यवस्था कर देती हैं, पर एक जजमान के द्वारा इतना कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। जो इस बड़ोदर की कथा में शिव भक्तों का स्वागत हुआ है, सेवा हुई है, उसे देखकर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी को बहुत ही प्रसन्नता हुई है। बढ़ते हैं आज की कथा की सत्रहवीं जानकारी की ओर। शिव महापुराण और स्कंद पुराण में वर्णन है प्रसाद देने वाला व्यक्ति किसी को बुलाकर अपना हाथ लंबा करता है तो वह भगवान विष्णु के वैकुंठ में माता लक्ष्मी जहाँ पर भोजन बनाकर रखती हैं उस भोजन को परोसने का हकदार रहता है, उस भोजन को परोसने का कार्य करता है, अर्थात उसे वैकुंठ में जगह मिलती है। बढ़ते हैं आज की कथा की अठारहवीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा जब सीहोर में रुद्राक्ष महोत्सव 16 से 22 फरवरी 2023 तक होगा
उसमें जो शिव महापुराण की कथा होगी, तो हम भी प्रयास करेंगे कि बढ़लिया परिवार की तरह ही हम कथा का आयोजन करें और हम भी शिव भक्तों का ऐसा ही स्वागत करें जैसा कि इस बढ़लिया परिवार ने करके दिखाया है। हम यहाँ से शिव भक्तों की किस प्रकार सेवा करना चाहिए वह सीख कर जा रहे हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 19वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक रोग मुक्ति वाला नया उपाय बताया है, शमी पत्र वाला, जो कि हम आपको बताने वाले हैं, जिसे आप ध्यान से सुनिएगा। शमी के वृक्ष के नीचे आपको दूध और जल, मतलब आप जल में थोड़ा सा दूध मिला लें और इसे अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस शमी पत्र के नीचे, शमी के वृक्ष के नीचे अर्पित कर दें। गुरुजी ने कहा है यह उपाय आपको सप्ताह में एक बार जरूर करना है और सप्ताह में एक बार इस उपाय को कर देने से लीवर, किडनी, गांठों की प्रॉब्लम, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों का भी निदान होना शुरू हो जाता है। अर्थात आप जो गोली खा रहे हैं, दवाई खा रहे हैं, जो कार्य नहीं कर पा रही है वह भी कार्य करना शुरू कर देती है। गुरुजी का बताया यह बिल्कुल नया रोग मुक्ति उपाय है। बढ़ते हैं आज की कथा की 20वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आंवले के वृक्ष के नीचे अर्पित किया गया प्रसाद को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। पीपल के वृक्ष के नीचे अर्पित किया गया प्रसाद को आप वापस प्राप्त कर सकते हैं। वट वृक्ष के नीचे अर्पित किया गया प्रसाद को भी आप वापस प्राप्त कर सकते हैं, पर केवल शमी वृक्ष के नीचे अर्पित किया गया भोग या प्रसाद को आप वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उसे आपको वहीं पर छोड़ना पड़ता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 21वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया आम के पत्ते की बंडलवार जो होती है, जो हम अपने शुभ कार्यों में लगाया जाता है, शादी में लगाया जाता है, ऐसे अच्छे कार्यों में लगाया जाता है, उसे हम वहाँ पर क्यों लगाते हैं? क्योंकि उस बंदरवाल में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है और जब हम अपने घर से बाहर निकल रहे हों या फिर घर के अंदर आ रहे हों तो उसमें विराजमान 33 कोटि देवी देवता हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 22वीं जानकारी की ओर। जिस पति पत्नी का झगड़ा चल रहा हो, बच्चों के लिए स्नेह समाप्त हो गया हो, माँ बाप के लिए स्नेह समाप्त हो गया हो, पति पत्नी की बात बात में लड़ाई हो जाती हो, तो दोनों में से कोई भी एक अनंग त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति, शिव और पार्वती, इनका नाम लेकर दूध का छींटन मात्र शिवलिंग पर कर देता है या फिर दूध को शिवलिंग पर समर्पित कर देता है तो उनके संबंधों में मधुरता आना प्रारंभ हो जाती है। यह उपाय आपको आज रात तक कर ही देना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 23वीं जानकारी की ओर। मैना, धन्या और कला ये पितरों की बेटियां हैं, पितृलोक में रहती हैं। इसके बाद गुरुजी ने बताया दुनिया का सर्वश्रेष्ठ लोक है पितृलोक, जहां से पितर कभी भी कहीं भी नहीं जाना चाहते हैं, वहां पर पितर सबसे अधिक प्रसन्न रहते हैं। ऐसा क्यों होता है? जितनी देर संसार में मनुष्य शिव महापुराण की कथा में बैठते हैं, कथा सुनते हैं, उतनी ही देर भगवान विष्णु उनके साथ उनके कंधों में हाथ रखकर शिव महापुराण कथा का श्रवण करते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 24वीं और अंतिम जानकारी की ओर। इस बड़ोदरा की कथा के बाद अगली कथा बैतूल में होगी। इस कथा का नाम रहेगा माँ ताप्ती शिव महापुराण कथा। यह कथा आप 12 दिसंबर से देख पाएंगे और इस कथा का जो समय रहेगा दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक रहेगा। इस कथा में ताप्ती नदी की कथाओं की जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है। इसके बाद गुरुजी ने कहा 7 तरह के भोग माता पार्वती ने भगवान शंकर को लगाए थे। ऐसी कौन कौन सी चीजें महादेव को माता पार्वती ने चढ़ाई जिससे महादेव माता पार्वती को मिले, उसी प्रकार हमें भी वो चीजें चढ़ाना चाहिए, तो उसकी जानकारी आपको कल की कथा में, कल के वीडियो में प्राप्त हो जाएगी। आज की कथा आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की कथा में गुरुजी के बताए उपायों से संबंधित प्रश्न भी आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर।